और अमर क्या हाल चाल? अरे आसिफ बढ़िया, क्या चल रहा है? यार अमर, ये डॉक्टर सिद्दीकी तो एकदम चालू आदमी है, इस उम्र में इश्क लगाता है अपने स्टूडेंट के साथ। वो तो मैं समझता हूँ, आजकल इसकी नजर रचना पर है, हर वक्त उसके पीछे लट्टू रहता है। यार आसिफ, इसको शायद पता लग गया कि अर्चना मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मुझे रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या चीज हो? ये तो प्रोफेसर नागपाल के साथ मिलकर वाइस चांसलर को भी रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा यार अमर, पिछली बार स्टूडेंट्स ने जो एहतजाजी मुजाहरे किए वो क्या था? वो इसकी और नागपाल की साजिश थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि उस मुजाहरे के तमाम पोस्टर्स भी इन्होंने ही बनवाए थे। की खुशी में ऑर्डर तुम दे दो, बिल मैं दे दूंगी। बिल मैं दूं? तुम बिल नहीं, दिल दे दो। दिल को क्या मजाक समझ रखा है? कम से कम इतना तो सोच लो कि प्यार जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जाता। अच्छा तो कैसे हासिल किया जाता है? प्यार कोई खैरात में या झपट कर हासिल नहीं किया जाता। प्यार जब होता है तो बस इंसान को पता ही नहीं चलता। बस मुझे इतना बता दो कि तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए। देखो अर्चना, फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए मुसीबत बन चुका है। प्रोफेसर सिद्दीकी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, वो मुझे डिग्री हासिल नहीं करने देगा। पिछली बार इंटरनल मार्क्स खा गया था, इस बार पूरी थीसिस खा जाएगा। फॉर गॉड सेक मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हेलो फ्रेंड्स, मे आई ज्वाइन यू? आप तो ज्वाइन कर चुके हैं, फिर पूछ क्यों रहे हैं? जस्ट ए फॉर्मेलिटी, मैंने सोचा कहीं आप दोनों कुछ खास बात तो नहीं कर रहे। खास बात करने का मौका ही कहां देते हैं? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज कैरी ऑन। सर मुझे जरा जल्दी है, प्लीज कैरी ऑन। मैं चलता हूं सर। भाई अर्चना देखो, बहुत समझदार लड़का है ना, क्यों नहीं? यस सर, आप कुछ लेंगे सर? नो थैंक्स। आप बताइए, आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? ठीक चल रही सर, आप कुछ मदद कर देते मेरी। देखो थोड़ा सा मन और लगाएंगे आप पढ़ाई में तो आई एम श्योर यू विल गो अहेड। यस सर। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पे पुरानी यादों के साए साफ दिखाई दे रहे हैं, पछतावा तो नहीं हो रहा? नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा। तुमने बहुत देर कर दी अमर, तुमने बहुत जल्दी कर दी। तो प्रोफेसर सिद्दीकी हैदराबाद से कब आएंगे? मालूम नहीं। तो मैं चलूं? हाँ। अच्छा सुनो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे थीसिस के बारे में उनसे बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा। Oh.
आप कब आए? Just now. आने से पहले फोन तो किया होता। भाई आइंदा ख्याल रखेंगे। चाय पियोगे? पहले ये बताओ कि अमर आया था? हाँ, आपकी मुलाकात हुई उससे? नहीं, उसने मुझे नहीं देखा। चलो अच्छा हुआ, वरना वापस लौट के आ जाता। क्यों? अरे उसकी थीसिस जो पड़ी है आपके पास 2 साल से, इसीलिए तो आता है। Oh my God. वैसे यही एक काम आपने ढंग का किया है। ऐसे लड़कों की अकड़ निकालने का यही सही तरीका है। आप उसके थीसिस अपने पास 1 साल और रखना, तब तक जब तक कि वो घुटनों के बल ना जाए, ठीक है? ओके। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, श्योर। यही एक काम तो ढंग से नहीं किया मैंने। जब तक हड्डी पास रहेगी, कुत्ता तो आता ही रहेगा। प्रोफेसर सिद्दीकी ने मेरी थीसिस बहुत पहले यूनिवर्सिटी भेज दी है। क्या बात कर रहा है, मेरी डिग्री भी तैयार हो गई यार, पर ये सब हुआ कैसे? मुझे लगता है कि मिसेस सिद्दीकी ने सिफारिश करी होगी। अब एक मिठाई का डिब्बा लेकर शुक्रिया अदा करने पहुंच जाओ। इस बार डॉक्टर सिद्दीकी बेंगलोर गए हैं।